फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें। हेलो गाइस, मेरा नाम है साकित, मैं हूँ डाउटनेट की ओर से। आज जेईई मेंस एग्जाम का तीसरा दिन है और आज हम भी बच्चों से जानेंगे कि उनका एग्जाम कैसा रहा और ऑनलाइन एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा उनका। तो आइए बात करते हैं बच्चों से। हेलो गाइस, यहाँ पर हमारे साथ है सोहेल, तो उनसे भी जानते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा उनका ऑनलाइन एग्जाम का और उनका पेपर कैसा। हेलो सर, पेपर थोड़ा एक्सपेक्ट कर ही सकते, जो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर कर आए थे तो उससे उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए हैं या फिर अलग क्वेश्चन आए हैं? नहीं, लास्ट फ्यू 10-12 ईयर्स से एकदम डिफरेंट था, जो वेटेज था वो भी काफ़ी डिफरेंट था, पेपर इस बार अलग एक्सपेक्टेशन से था। तो डिफिकल्टी लेवल आपको लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड था इस बार? डिफिकल्टी से ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन था, लेंदी था हाँ, और क्योंकि मेंस में अबाउट 2 मिनट्स देने होते हैं क्वेश्चन को, तो बहुत कम टाइम था। तो मुझे बताइए कि आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन याद रहा हो जो आप हमारे डाउटनेट यूजर्स को मतलब शेयर करना चाहते हैं उनके साथ? क्वेश्चंस का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बोलूँगा कि एनसीईआरटी में जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से याद कर लें, उस पर बेस बहुत क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन बना पाए। मतलब एनसीईआरटी के बेसिस पर एग्ज़ाम आ रहा है? हाँ, एनसीईआरटी पे ज़्यादा बेस करती है, एनसीईआरटी के पर ज़्यादा बेस। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने आपको कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा हार्ड लगा, जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर मैं पूछूँ, मैथ्स, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स? इस बार टफ आया था, फिजिक्स में मैकेनिक्स के क्वेश्चन बहुत लंबे आए थे, सिंपल मैकेनिक्स रोटेशनल में, और केमिस्ट्री तो इजी थी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का, लेकिन इस बार वेटेज। ओके, क्या लगता है आपको कहाँ तक अचीव कर लेंगे इस बार? तो 180। हमारे साथ हैं रुपेश जो आमची मुंबई से हैं, तो आइए जानते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑनलाइन एग्जाम का और उनका पेपर कैसा रहा। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर गया, लेवल एकदम अच्छे से मेंटेन किया गया था, हर एक क्वेश्चंस का और हर एक लेसन्स का। पहले कैसे होते थे, हर एक ही लेसन से 3-4 क्वेश्चन आ जाते थे, इस बार एकदम लेवल मेंटेन, हर एक लेसन से क्वेश्चन आए, बहुत अच्छा लगा पेपर देखकर। ओके, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कैसा था? डिफिकल्टी लेवल थोड़ा फिजिक्स का ज्यादा था, फिजिक्स का ज्यादा था। और क्या लगता है आपको मार्क्स कहाँ तक अचीव कर लोगे? मार्क्स तो क्वेश्चंस तो कभी अटेंड हो पाए, क्योंकि ऑनलाइन था ना, फर्स्ट टाइम था तो देना थोड़ा बहुत। तो ऑनलाइन का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एग्जाम, मतलब सही है, गलत है, अच्छा है, कौन सा? गलत तो नहीं हो सकता, आप कोई डिसीजन लिया तो अच्छा डिसीजन है, बस थोड़ा प्रैक्टिस में वो करना है। मतलब आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस थोड़ा, मतलब कम प्रैक्टिस की वजह से थोड़ा है ना? हाँ, कम ऑनलाइन टेस्ट देने की वजह से। अच्छा, ये बताइए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी के बेसिस पर थे या फिर अलग थे? एनसीईआरटी के बेसिस पे भी थे क्वेश्चंस। हाँ, ये बताइए कि जो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके आए थे तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आए या फिर अलग? हाँ, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आए थे जो हमने एक्सपेक्ट किए थे। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको याद हो तो आप डाउटनेट यूजर से शेयर करना चाहें? हाँ, क्वेश्चंस तो याद है, तो केमिकल बॉन्डिंग्स के एक दो क्वेश्चन, लोन पेयर्स वाले थे और सर्कल्स के थे क्वेश्चन, जो भी याद हो। और डिफरेंशियल इक्वेशन का तो लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन आया था। अच्छा, लास्ट ईयर का भी? हाँ, वो लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपका जो पेपर था उसमें सेक्शन वाइज और सब्जेक्ट वाइज क्या पार्ट डिफिकल्ट था? जैसे सब्जेक्ट में बात करूँ, मैथ्स, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, तो क्या हार्ड लगा? मुझे तो फिजिक्स ही हार्ड लगा, क्योंकि फिजिक्स की मैंने उतने प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए तो हार्ड लग रहा है, और क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की प्रैक्टिस हुई थी तो वो ईजी लगा। फिजिक्स भी उतना हार्ड नहीं था, अगर किया जा अच्छे से किया जाता तो हो जाता वो भी। तो आप यहाँ पर मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं से, इंस्टीट्यूट से? हाँ, एलएन से कर रहे हैं। कहाँ, कब तक है यहाँ पर, मतलब आप कितने साल से हैं यहाँ पर? तो यही फर्स्ट ईयर है मेरा यहाँ। फर्स्ट ईयर है आपका? चलिए, ठीक है, ठीक है रुपेश, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, अपने डाउट्स को बोलो बाय और डाउट नोट को हाय। डाउनलोड ऐप टुडे।